नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल और प्रस्तुत है आज के समाचार। जम्मू कश्मीर में लद्दाख को अलग संभाग घोषित कर दिया गया है। इसकी मांग बीते कई सालों से चल रही थी। अभी तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ दो ही संभाग थे जिसमें जम्मू और कश्मीर शामिल था, मगर अब जम्मू कश्मीर में तीन संभाग होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख संभाग में कारगिल और लेह शामिल है। जोहार टनल के पास पुलिस पोस्ट के हिमस्खलन की चपेट में आने से 10 पुलिसकर्मी गुरुवार को लापता हो गए। वहीं तीन पुलिसकर्मियों को बर्फ से जिंदा निकाल लिया गया है। सर्च ऑपरेशन शुक्रवार सुबह से ही जारी था। नौशहरा में मनाया गया नौशहरा दिवस। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। लिंस का वितरण भी किया जाएगा। उस पहलू से रूबरू होने जा रहे हैं जिसमें हर जवान अपने प्रादेशिक झलक पेश करेंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हिमस्खलन की चपेट में आने से एक दंपति की मौत हो गई, जबकि उनके दो बच्चों को बचा लिया गया। लगातार पिछले 20-22 दिन से चल रहे एनआरएचएम कर्मियों ने अपनी सेवाओं के नियमित करने की मांग करते हुए आज जम्मू प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। क्या पॉलिसी फ्रेम करने में टाइम लगता है। हम चाहते हैं कि हमें इक्वल पे इक्वल वर्क दें, इमीडिएट दें इम्प्लीमेंटेशन। रिटर्न हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें अब भरोसा नहीं है। अगर जो असेंबली में बैठ कर जहाँ की असेंबली को लोग मंदिर बैठते हैं बोलते हैं, अगर असेंबली में कुछ कोई बोल दिया जाता है ना वो पूरा होता है, लेकिन हमें लगता है हमें रिटर्न देकर भी इन्होंने पूरा नहीं किया। ऐसा ही रहा तो क्या करेंगे अभी? अगर ऐसा ही रहा तो हम क्या करेंगे, ये अब क्या बताएं। हम कल मतलब 26 दिन हो गए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक दिन कल हम बाहर निकले जहां तक कि हमें डीएसपी ने रोका। उन्होंने बोला कि आपकी बातचीत हम ऊपर डुल्लू साहब से करवा रहे हैं मंडे को। लेकिन जगजीत कुमार को बनाया गया पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर, आज उन्होंने शपथ ग्रहण की। चीफ सेक्रेटरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर किसान सम्मान निधि के बारे में ली जानकारी। केबी काचरू, जिन्हें हाल ही में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया, उन्होंने राजभवन में राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। राज्यपाल सत्यपाल ने उन्हें उन क्षेत्रों के बारे में बताया जहां बढ़ते हुए फुटफॉल से निपटने और पवित्र तीर्थ यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए हस्तक्षेप की बात भी कही। सीआरपीएफ की बैंड टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ चुन लिया गया। आज गुलशन ग्राउंड जम्मू में ऑल इंडिया पुलिस बैंड प्रतियोगिता 2018 में चैंपियन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। जम्मू में आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बैंड टीमों ने भाग लिया। ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी के अलावा सीआरपीएफ को बुगेल क्लॉस और विजेता ब्रॉस बैंड में रनर अप और पाइप बैंड इवेंट्स में हार्ड लाइनर चुना गया। हमारी स्टेट में एक पर्टिकुलर हालात से आप इस समय जुड़े हुए हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसमें एक तो आपकी बड़ी ड्यूटी है कि सारी प्रजा की सारी पब्लिक की रक्षा करना है। एट द सेम टाइम जिस तरीके के स्टेट के हालात हैं उसमें आपको एंगेज करना पड़ता है, कभी कभी इसमें लॉस ऑफ लाइफ होता है, कैजुअलिटीज होती है, बड़े चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस से आप बड़े सालों से गुजर रहे हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी द्वारा विभाग की ली गई बैठक, इसमें विभाग के कामकाज पर की गई चर्चा। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज तीसरे दिन भी रहा बंद, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर बनिहाल रेल सेवा आज दूसरे दिन भी रही प्रभावित। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।